हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा बीए फर्स्ट ईयर है और आज मैं आपको नेक्स्ट जो आपकी लिटरेरी टर्म है एसे वो करवाने जा रही हूँ। तो एसे इज ड्रिवन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसेयर विच मीन्स टू अटेम्प्ट और टू ट्राई। एसे जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है टू अटेम्प्ट और टू ट्राई। एन एसे इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन द सिंगल सब्जेक्ट मैटर। हमने पहले भी किया था कि ऐसे क्या होता है, ऐसे एक लिटरेरी कॉम्पोजिशन है जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बेस्ड है एंड ऑफन गिव्स द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द ऑथर। और इसमें ऑथर के पर्सनल ओपिनियंस दिए होते हैं। मतलब जैसे मैं एक टॉपिक पे पॉल्यूशन पे ऐसे लिख रही हूँ तो मेरे पर्सनल ओपिनियंस होंगे उसमें मैं किसी की कोट्स नहीं उठाऊँगी, तो मैं खुद लिखूँगी कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन कितने टाइप्स का है, इसको कैसे रोका जा सकता है, ये कैसे फैलता है, तो वो मेरे पर्सनल व्यूज़ होंगे। एक फेमस इंग्लिश एसेस्ट है जिसका नाम है हॉक्सले। वो डिफाइन करता है एसे को अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। लिटरेरी डिवाइस है एसे जो सब कुछ बताती है और अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग, जो सब कुछ हो सकता है एसे में वो हम डाल सकते हैं। द सिंपल वर्ड में अगर हम कहें वी कैन डिफाइन इट एज ए स्कॉलरी वर्ड वर्क इन राइटिंग दैट प्रोवाइड्स द ऑथर्स पर्सनल आर्ग्यूमेंट। इसमें ऑथर के पर्सनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसका जो दिमाग में आता है वो उसको लिखता है। एक्सप्लोरेटरी एसेज, डिस्क्रिप्टिव एसेज, नरेटिव एसेज, ठीक है, ये सभी जो एसेज हैं वो ऐसे की टाइप्स हैं। इन तरीकों से ऐसे लिखा जाता है। ऐसे है जो वो डिस्क्रिप्टिव भी होता है जिसमें सब कुछ डिफाइन किया होता है, नरेटिव होता है बोल के भी बताया जा सकता है, एक्सप्लोरेटरी भी होता है जिसको हम लेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी नोट कॉपी पे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो डेफिनेशन है हॉक्सले की वो एज इट इज़ आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत ही छोटी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके मार्क्स है जो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।